और तुम्हारे भाई के पास एक बैड न्यूज है यार, तुम्हारे भाई नौकरी खतरे में आ चुकी है। और हमारे चचा तो बहुत खुश हो रहा है। क्यों चचा? मैं जा रहा हूँ तो खुश हो रहा है ना? ना ना, काम तो करना ही है। और तो मेरी छुट्टी थी तो मैं घूमने गया हुआ था, कहीं जाना था मेरे को। मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, बाद में जब जाऊंगा तब रिवील करूंगा। और उस दिन हमारा पॉप आउट हो गया यार, उस दिन वो बंद था, हो जाएगा धीरे धीरे करके। जो भी कैसे आप सबके हाल चाल हो चुके हैं, नए ब्लॉग की शुरुआत और ब्लॉग की शुरुआत जुड़े जाते टाइम। और तुम्हारे भाई के पास एक बैड न्यूज है यार, तुम्हारे भाई की नौकरी खतरे में आ चुकी है। क्योंकि मैं चाइनीज सेक्शन में काम कर रहा था और हमारे यहाँ चाइनीज सेक्शन बंद हो रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा है यार। और देखते हैं नौकरी का क्या सीन होता है। और मैनेजर ये बोल रहे थे कि इंडियन में काम करना, बट इंडियन में काम सीखने के लिए नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत है। कौन लेट कौन? तो दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है यार, हमारा चाइनीज सेक्शन बंद हो गया है। मैं लगभग ऑर्डर लगाने भी सीख चुका था, पता चल गया था कि किसमें क्या क्या जाता है। हमारे भाई की नौकरी खतरे में आ चुकी है और हमारे चचा भी हमारे साथ। चचा तो बहुत खुश हो रहा है। क्यों चचा? मैं जा रहा हूँ तो खुश हो रहा है ना? ना ना, झूठ बोल रहा है चचा। ना ना, चचा और मैं 3 महीने से साथ में रहते हैं, तो चचा को बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ, बुरा तो लगता है भाई। चचा डिंग मार रहा है, चचा को कुछ बुरा नहीं लग रहा, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। चाइनीज सेक्शन बंद हो गया, थोड़ा बहुत सीख भी गया था। देखते हैं आगे क्या होता है। इंडियन में काम कर लेंगे, फिलहाल काम तो करना ही है। और पहुँच चुके हैं अपने हाईवे पे, और मैं और चचा जा रहे हैं सीधा ड्यूटी पे। तो दोस्तों अभी हूँ यार मैं किचन में, और अभी नवरात्रि थाली चल रही है, काफ़ी भयंकर ऑर्डर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यार पूरा अपना किचन। और आजकल व्लॉग नहीं बन पा रहे, काफ़ी टाइम से मेरा फ़ोन ख़राब था, वो आगे बताऊंगा व्लॉग में। फिलहाल यहाँ पे पूरी बनाई जा रही है, 10 बज चुके हैं, 12 बजे क्लोजिंग होगी, तो 2 घंटे का और प्रेशर है, वो झेलना है। दोस्तों दिन से लेके अब मैं जाके व्लॉग बना रहा हूँ, और अब जो है यार टाइम मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। और हमारा जो है चाइनीज़ सेक्शन भी बंद हो चुका था, और पिछले हफ्ते मेरी छुट्टी थी तो मैं घूमने गया हुआ था, कहीं जाना था मेरे को। मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, बाद में जब जाऊँगा तब रिवील करूँगा। तो वहाँ गया था और उस दिन हमारा पॉप आउट हो गया यार, उस दिन वो बंद था और आधे रास्ते तक गए। उसके बाद जो है व्लॉग स्टार्ट भी कर जाता मैंने, बट नहीं बन पाया पूरा, बीच में थोड़ा टाइम मिला था। और काफ़ी टाइम भी ब्लॉग डाल रहा हूँ यार, तो थोड़ा अजीब सा हो रहा, बोलने में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। और चाइनीज़ सेक्शन बंद हो चुका है यार, अब मुझे इंडियन में काम करना है। और 3 महीने मैंने जो है चाइनीज़ में काम किया, अब मैं इंडियन में जा रहा हूँ, तो हो जाएगा धीरे धीरे करके। जो भी सपने हैं क्या पता किस दिन सच हो जाए। तो आज जो है मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रहा हूँ यार, पता नहीं बोलने में नहीं, मतलब कि बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ, दिमाग में सोच नहीं पा रहा हूँ। और अभी जो है रात का समय है, तो रात के समय ऊपर आया हुआ हूँ, और मेरे को लग रहा है ये ब्लॉग मैं इतना ही डालूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। तो सारे रीज़न मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, भले ही किसी ने पूछे नहीं।